जाति वर्गों का आरक्षण दिया, उन्हें अधिकार दिया, वो पद पर आए, लेकिन आज पंचायत प्रतिनिधियों की स्थिति बंधुआ मजदूर की हो गई है। नीचे के प्रतिनिधि उन्हें मान सम्मान नहीं देते हैं और उनका अधिकार नहीं लेने देते हैं। यहाँ पर संयोग से प्रत्यय अमृत बैठे हुए हैं, इनके ऑफिस में हम लोग जाते हैं, इनके दर्जनों ऑफिस है, जहां जाने पर बैठने का वेटिंग रूम है, किताब साहित्य की रखी रहती है, अखबार रखी रहती है, लोग पढ़ते हैं समझते हैं। और पंचायतों में क्या हमारे पंचायत प्रतिनिधियों की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? जब वो पंचायत में जाते हैं तो रोड पर धक्का खाते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, आरटीपीएस काउंटर पर नेट नहीं रहता है कि उनका काम हो। इस तरह अनेक स्थितियां हैं जिसे आज सुधार में लाने की जरूरत है। वो पंचायत प्रतिनिधि हमारे सैनिक हैं, पंचायत प्रतिनिधि बिहार विकास के सैनिक हैं, और सैनिक को मनोबल को तोड़कर कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों के मनोबल को बढ़ाने की जरूरत है, उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है, और तभी हम ग्राम स्वराज के सपने को साकार कर सकते हैं, जो महात्मा गांधी जी की सोच थी और हमारे पूर्वजों की सोच थी, जो बिहार और राज्य पंचायत सही होगा और पंचायत प्रतिनिधि के अधिकार में जब कटौती होगी आपको जानकर आश्चर्य होगा। टाइड और अनटाइड दो योजना चलती है और उसे चुनने का अधिकार न ग्राम पंचायत को है और न पंचायत समिति को है। उसे चुनने का अधिकार वहां उन लोग है ही नहीं, उन्हें राशि जाती है और योजना चुना हुआ रहता है। उस तरह अनेक चीज है। आप पंचायत सरकार भवन बनाए, पंचायत सरकार भवन दिखावे की वस्तु बनकर रह गई है। पंचायत सरकार भवन में सरकार के पत्र के बावजूद कोई अधिकारी कर्मचारी वहां नहीं बैठते हैं कि जनता का एक काम हो सके, और वह सिर्फ दिखावे का एक भवन बनकर रह गया है। और भवन क्या, उसका जंगल उपज क्या उस भवन में? हम तो देखते हैं बहुत सारे जगह पर, हम मंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे, जानना भी चाहेंगे कि कितने पंचायत सरकार भवन जो बने हैं उसमें काम योजना चालू है। हमारे सभी जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, कोई से हम दावे के साथ कहते हैं कि इन्हीं के क्षेत्र में यदि मेरी बात गलत हो तो भाई मेरे उठकर मेरा विरोध कर सकते हैं, मेरी बात को काट सकते हैं। यह सच्चाई है कि पंचायत सरकार भवन बना है लेकिन उसमें जो अधिकारी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की जाती है वहाँ पहुँचते नहीं है, वहाँ विकास पहुँचता नहीं है, इसलिए उस पर त्वरित कार्रवाई की जरूरत है। आरटीपीएस काउंटर, हमारे विधायक महोदय ने सवाल उठाया था क्वेश्चन में, वो मेरा भी क्वेश्चन था, संयोग से मेरा क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन नेट बंद रहता है, नेट काम नहीं करता है, जो सूचना जो कार्य का समय दिया गया है उस समय में पूरा नहीं होता और सारे प्रखंड की स्थिति है, एक प्रखंड नहीं पूरे हम तो जिला में देखते हैं, सभी जगह वही स्थिति प्रखंड की बनी हुई है। डीपीआरओ की व्यवस्था की गई उनको पंचायत प्रतिनिधि को सहयोग करने के लिए, लेकिन वो लोग पंचायत प्रतिनिधि का सहयोग नहीं, उनका शोषण करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोग यहाँ एक डीपीआरओ महोदय हैं जो खुलियाम पंचायत प्रतिनिधियों से राशि मांगते हैं, मेरे पास उसका ऑडियो क्लिप है, यदि अध्यक्ष महोदय चाहेंगे तो मैं उसे सुना सकता हूँ, अध्यक्ष महोदय चाहेंगे तो मैं सुना सकता हूँ। मंत्री महोदय यदि कार्रवाई का आश्वासन देते हैं तो कहते हैं कि यदि पैसा हमको राशि नहीं पहुंचेगा तो पंचायत में जांच कर कार्रवाई की जाएगी, जबरदस्ती जांच किया जाएगा, बिना गलती के आपको परेशान किया जाएगा। मंत्री महोदय यदि कार्रवाई करना चाहेंगे तो उनके पास ऑडियो क्लिप को सेव कर उनके हाथ में पहुंचाने का हम काम करेंगे, दावे के साथ कहते हैं। इसके साथ ही हम माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि जर्जर भवन अमनौर प्रखंड का कार्यालय हो, चाहे परसा प्रखंड का कार्यालय हो, चाहे मकेर प्रखंड का कार्यालय हो, हमारे भाई साथी विधायक जी बोल रहे थे कि परसा के बारे में, संयोग से उनके हम वोटर भी रहे हैं, एक ही मेरा क्षेत्र है, एक प्रखंड दो भागों में है, आधे के प्रतिनिधि छोटे लाल भाई, आधे के प्रतिनिधि हम हैं, और उस प्रखंड का बिल्डिंग कितने वर्षों से बना हुआ है उन्हीं से पूछ लिया जाए क्या स्थिति है। वो शायद हमारी बात पर भरोसा सदन को नहीं हो या आपको नहीं हो, लेकिन वहाँ बिल्डिंग का क्या स्थिति है, हम मांग करते हैं मंत्री महोदय से कि वहाँ बिल्डिंग अमनौर मकेर और परसा में सुशासित बिल्डिंग बनाया जाए कि जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों की बैठने की, उन्हें जाने की सुविधा जो भी हो सके उसको मिले, यही मैं आप सबसे मांग करता हूँ।